हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रफ़ी खान हियर। ओके सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं MSTCET 2022 जो स्टूडेंट दे रहे हैं उनके लिए कुछ अपडेट्स आया है, उन अपडेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब कि आप लोग को सेंटर पे, आप लोग का जो सेंटर लगेगा MSTCET एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर लगेगा, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या लेके जाना है, हॉल टिकट लेके जाना है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं तीन चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताने वाला हॉल टिकट की जो डेट है वो कब डेट है, कौन सी डेट है। नाउ सेकेंड जो है वो एग्जामिनेशन डेट आप लोगों की क्या रहेगी। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों की चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक अच्छे से देखिएगा विदाउट स्किप किए, बिकॉज इसमें थोड़ा सा भी स्किप होगा तो आप लोगों को शायद कुछ लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा और हो सके तो बुक और पेन लेके बैठिएगा, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें अगर नोट करने वाली होगी तो आप लोग नोट भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हॉल टिकट के बारे में, तो ठीक है। तो MSCET 2022 मतलब MSCET जो एग्ज़ाम होता है वो दो पार्ट में, आप लोग को मालूम होगा, दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला होता है PCM और PCB। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। सेकेंड जो ग्रुप होता है, एग्ज़ाम होता है, वो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं PCB ग्रुप, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले PCM जो स्टूडेंट जो सेलेक्ट किए PCM ग्रुप उनके बारे में आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों का जो हॉल टिकट है वो 26 जुलाई को आप लोग अपना हॉल टिकट ले सकते हो। CET की वेबसाइट पे जा सकते जाके, ये रही वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। जो भी लोग PCM ग्रुप मैक्स वाला ग्रुप जो है वो 26 जुलाई को आप लोग अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। नाउ सेकंड हम लोग बात करेंगे PCB ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए हम लोग बात करेंगे। तो उनका जो हॉल टिकट है वो 2 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वेबसाइट पे जाके, इसी वेबसाइट पे जाके 2 अगस्त के दिन आप लोग अपना एडमिट कार्ड, जिसको हॉल टिकट बोलते हैं, आप लोग हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात रही हॉल टिकट के बारे में। आप हम लोग जाते हैं सेकेंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो डेट है 5 अगस्त, मतलब 5 अगस्त से आप लोग का 11 अगस्त तक आप लोग का, इनके बीच में आप लोग का कोई ना कोई एक दिन आप लोग का एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि 5वें दिन या 6वें दिन आप लोग का एग्जाम होगा, कोई एक ही दिन आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। तो किसी का 5वें दिन, किसी का 5 तारीख को रहेगा, किसी को 6 तारीख को रहेगा, किसी का 7 तारीख रहेगा, ठीक है। तो ये मत समझो कि 5 से 11 मतलब 5 और 6 दिन आप लोग का एग्जाम देना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक ही दिन रहता है, वो आप लोग की हॉल टिकट पे मेंशन किया रहेगा कि आप लोगों को कौन सा डेट है, क्या टाइमिंग है, पूरा आप लोग को हॉल टिकट पे दिया रहेगा, ठीक है। बस मैं आप लोग बता रहा हूँ एग्जामिनेशन कब तक और कब तक रहेगा, ठीक है। तो PCM वालों के लिए 5 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। नाउ PCB के लिए मैं आप लोग को बता दूं, तो PCB के लिए जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो डेट है 12 अगस्त से 20 अगस्त तक, ठीक है। तो 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आप लोग का कोई एक ना एक दिन आप लोग का एग्ज़ाम होगा। वो एक दिन क्या रहेगा, कौन सा डेट रहेगा, वो आप लोग की हॉल टिकट पे मेंशन रहेगा, टाइमिंग भी पूरा मेंशन रहेगा, ठीक है। तो ये रही डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, हॉल टिकट और डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया PCM और PCB दोनों ग्रुप के लिए। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है ये CET की वेबसाइट पर आया है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को एक एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को करना क्या है, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग को अपना हॉल टिकट जो है, आप लोग का जो डेट बताया उस डेट पे जाके आप लोग अपना हॉल टिकट फ़ौरन डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा नहीं कि टाइम निकलने के बाद आप लोग अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप लोग को जो टाइमिंग में जो डेट मैंने आप लोग बताया उस डेट पर जाके आप लोग वेबसाइट पर जाके आप लोग अपना एडमिट कार्ड पहले के पहले वो काम आप लोग कीजिए कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग वो है कि आप लोग की हॉल टिकट पे ना डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा रहेगा कि आप लोग को ये डेट पे आप लोग का एग्जाम देना है। किसी का 6 अगस्त, किसी को 7 अगस्त अगर PCM ग्रुप के है, या कोई अगर PCB ग्रुप का तो आप लोग का 13 अगस्त, 15 अगस्त, ये सब आप लोग का जो भी डेट रहेगा वो मेंशन किया रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से रीड करना। और सेकेंड चीज, आप लोग का टाइमिंग भी वहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। टाइमिंग दिया रहेगा कि आप लोग को कब वहाँ पे पहुँचना है, टाइमिंग क्या रहेगा एग्ज़ाम का, और एड्रेस जो सेंटर जिसको बोलते हैं वो एड्रेस क्या रहेगा, आप लोग का कौन सा सेंटर आप लोग का लगा मुंबई में, कहीं पे भी आप लोग का कौन सा सेंटर लगा, तो वो एड्रेस भी पूरा मेंशन किया रहेगा, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट आप लोग का पूरा हॉल टिकट पे मेंशन रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोग का डेट, टाइम और एड्रेस पूरा, और भी जो चीज़ें हैं वो मेंशन रहेगा, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोग की हॉल टिकट पे ना टाइम लिखा रहेगा, किसका टाइम लिखा रहेगा, गेट क्लोज होने का, ठीक है।
जो गेट होता है कॉलेज का कोई भी आप लोग का जो सेंटर लगा है वो डेट गेट कब क्लोज होगा उसका टाइमिंग भी आपको मेंशन होगा। तो वो गेट क्लोज होने से पहले आप लोग को पहुंच जाना है, ठीक है। अगर आप लोग ने गेट बंद हो गया उसके बाद पहुंच रहे तो आप लोग को शायद बहुत दिक्कत करना पड़ेगा, आप लोग को शायद एंट्री ना मिले और बहुत ही फिर इधर उधर भागना पड़ेगा। तो हो सके तो जितना हो सके तो एक दो घंटा पहले आप लोग वहाँ पर पहुँच जाओ, पहले पहुँचेंगे तो कुछ आप लोग का भी फायदा होगा, ठीक है। तो लेट मत पहुँचेगा और आप लोग का जो सेंटर है उस सेंटर को आप लोग अकॉर्डिंग टू देख लीजिएगा कि हाँ ये जो एड्रेस है ये एड्रेस में मैं एक घंटे में या आधे घंटे में पहुँच सकता हूँ, तो वो हिसाब से आप लोग अपना टाइमिंग मैनेज कीजिए। ऐसा नहीं कि गेट क्लोज हो जाएगा कॉलेज का तो आप लोग फिर एंट्री मारो तो आप लोग को एंट्री नहीं मिलेगा या फिर बहुत चीज़ें आप लोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सके आप लोग अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रैवल करके अपना टाइमिंग देखिए। नाउ फोर्थ पॉइंट ये है कि आप लोग जब अपना हॉल टिकट डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पे एक स्पेस रहेगा फ़ोटो के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो वहाँ पे लगा दीजिएगा, आप लोग का हॉल टिकट के ऊपर जगह दिया रहेगा तो उस पर आप लोग को अपना फ़ोटो जो है वो चिपकाना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोग का जो ये फ़ोटो होगा वो रीसेंट फ़ोटो हो तो आप लोग का ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रीसेंट जो फ़ोटो आप लोग ने खिंचाए हो उसको ही अटैच करना वहाँ पे चिपकाना, ओके। नाउ फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप लोग को अपना हॉल टिकट जो है वो आप लोग का जो सेंटर है उस सेंटर पे हॉल टिकट को अपने साथ लेके जाना है। ऐसा नहीं कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम, भूल जाते, ठीक है। कुछ एग्जामिनेशन की ड्यू डेट है उस डेट पे भूल जाते कुछ बच्चे के हॉल टिकट लेना ही भूल जाते, जो चाहिए वो ही भूल जाते, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, हॉल टिकट जो है वो अपने साथ ही रख के आप लोग को सेंटर पे दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो हॉल टिकट लेके जाइए, ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ के चले गए तो आप लोग को फिर रिटर्न मंगाना पड़ेगा, ओके। नाउ ये चीज़ ये गलती जो है आप लोग मत कीजिए, हॉल टिकट को अपने साथ ही रखिए, पूरा चेक करके घर से अपने निकलिए। नाउ सिक्स पॉइंट ये है कि आप लोग को अपना हॉल टिकट के साथ साथ आप लोग को अपना आईडी प्रूफ भी लेके जाना है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, या तो आधार कार्ड रख लो या फिर पैन कार्ड रख लो या तो फिर आपका पासपोर्ट जो है वो रख लो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप लोग के पास है तीनों में से कोई एक भी चीज़ आप लोग को अपना कैरी करना, आईडी प्रूफ आप लोग का होना चाहिए, बिकॉज आईडी प्रूफ भी आप लोग का जो क्लास में इंटर करने से पहले वहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। तो हॉल टिकट और आधार कार्ड आप लोग को लेके जाना, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, वैसे आधार कार्ड है तो तभी पैन कार्ड बनता है, ठीक है। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट कोई भी आप लोग डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं जिससे आप लोग को आईडी आप लोग का दिख सके, ठीक है। नाउ सेवन पॉइंट ये है कि आप लोग के हॉल टिकट पे ना एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ वहाँ पे नोटिस दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शन जो वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। तो वो इंस्ट्रक्शन को जो दिया है उसको केयरफुली रीड कर लीजिए और जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा आप लोगों को करना है। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग का दिया रहेगा कि ये टाइम पे आप लोगों को पहुँचना है, इतने टाइम पे आप लोगों को रिपोर्टिंग करना है, ये सब चीज़ें आप लोग को हॉल टिकट पे जो दिया रहेगा उसको अच्छे से रीड करो और उसको फॉलो करो। नाउ लास्ट पॉइंट एट पॉइंट ये है कि कुछ स्टूडेंट का ना कुछ हर साल ये होता है ये मैटर ये है कि घर से वो निकलते हैं टाइमिंग के हिसाब से निकलते हैं लेकिन उनको ट्रैफिक मिल जाता है या फिर कुछ उनके साथ हो जाता है तो वो पहुंच नहीं पाते। तो रीज़न बताते हैं कि हमारा ट्रैफिक में ये हो गया था, हमारा ये हो गया था। तो ये रीज़न सही भी है लेकिन आप लोग को ये रीज़न को अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड करेंगे इसको अवॉइड इस तरीके से करेंगे कि आप लोगों को अगर सपोज़ को आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच सकते हो तो आप लोग क्या कीजिए, एक घंटा लीजिए ताकि आप लोग को आधा घंटा अगर ट्रैफिक मिले तो भी आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी तरफ से पूरा एक बैकअप लेके जाइएगा, टाइमिंग के हिसाब से पहले ही जाइएगा ताकि आप लोग पहले पहुंच जाएंगे तो आप लोग कुछ वहाँ पे रिवाइज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं रिवाइज कर सकते, आप वहाँ पे रिवाइज भी कर सकते हो बाहर खड़े होके, ठीक है। तो हो सके तो जितना हो सके टाइम से पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ट्रैफिक कभी कभी मिल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। तो जितना हो सके टाइम से पहले पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइस ये थी पूरी MHTCT 2022 के रिगार्डिंग अपडेट्स। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके जो MSCET 2022 दे रहे हैं चाहे वो PCM या PCB दोनों ग्रुप के उन तक ये वीडियो मेरा पहुँचाएगा, उन तक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ये वीडियो एक बार देख के और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करने का वो सब चीज़ें आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही एजुकेशन के रिगार्डिंग महाराष्ट्र बोर्ड के और मुंबई यूनिवर्सिटी के और नीट CT JEE ये सब इंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स होता होगा मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर देता हूँ।
वीडियो के जरिए से या फिर कम्युनिटी पोस्ट के जरिए से आप लोग तक बता देता हूँ। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ भी अगर आप लोग को क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे सब्सक्राइब कर लेते लेकिन नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप लोग को जो अपडेट रहेगा वो आप लोग को लेट मिलेगा, तो कुछ फ़ायदा की नहीं, डेट निकल जाती है, ठीक है। तो आप लोग को बेल आइकॉन बटन दबाना है ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं कुछ वीडियो डालूँ कुछ डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।